हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीमर्स किचन। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है। आज हम बनाने वाले हैं आलू और बैंगन के साथ एकदम मजेदार और यूनिक रेसिपी, जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। बहुत ही आसान है बनाना, मगर बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर चार बड़े साइज आलू को कुछ इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है अच्छी तरह वॉश कर लेने के बाद। फिर हमने बैंगन भी कुछ इसी तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो चार बड़े साइज के आलू हमने लिया था। फिर हमने यहाँ पर चार हरी मिर्चें, लहसुन की कलियां और दो बड़े साइज के प्याज को स्लाइस कर लिया है। लहसुन की कलियां और हरी मिर्चों को हम मिक्सर ग्राइंडर में एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना लेते। तो ये देखिए, लहसुन की कलियां और मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया है। फिर हमने एक कढ़ाई लेके दो बड़े चम्मच सरसों का तेल दिया है। फिर आलू को दे दिया है और फिर यहाँ पर अभी हम जो ब्रिंजल को दे देंगे। फिर हमने जो पेस्ट बनाया था वो दे दिया है। अभी हमने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्ची को मिडिल में स्लाइस करके दे दिया है और फिर जो पेस्ट बनाया था अदरक और हरी मिर्चों का वो दे दिया है। तो सारी चीजों को देने के बाद अभी हम यहाँ पर मसालों को देंगे। कश्मीर रेड चिली पाउडर हमने एक चम्मच दिया है, हल्दी पाउडर हमने आधा चम्मच दिया है, जीरा पाउडर हमने यहाँ पर आधा चम्मच दिया है और नमक स्वाद अनुसार दे दिया है। सारे मसालों को देने के बाद हम हाथों के हेल्प से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाला एक दूसरे के साथ अच्छी तरह लग जाए। आप चाहे तो चम्मच की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, मगर ये हाथों के हेल्प से मिक्स करके बनाने से ज्यादा ही टेस्टी बनता है, इसलिए हमने हाथों के हेल्प से मिक्स कर दिया था। तो ये मिक्स करना हो गया है। अभी हम यहाँ पर पानी देंगे। हमने यहाँ पर 3 कप पानी दिया है। पानी उतना हिसाब से देना है जैसे कि सारा सब्जी डूब जाए। तो ये देखिए, पानी का क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है, पूरा सब्जी डूब गया। अभी हम इसे एक बार अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेने के बाद फिर हम अभी ढक्कन को लगा देंगे। तो ये देखिए, एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और फिर ढक्कन को लगा देंगे और गैस पे बनाने के लिए रख देंगे। तो ये हो गया ढक्कन को लगा के, चलिए गैस पे रख देते हैं। तो गैस पे रख दिया हमने, गैस का फ्लेम मीडियम करके रखा है। तो 10 मिनट के बाद हम इसे ढक्कन को उठा के देख रहे हैं, एक बार चेक किया है तो ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है। इसमें एक सुंदर उबाल आ रहा है, मगर सारे सब्जी अच्छी तरह पक नहीं गया है। तो इसे लगभग बनने के लिए 20-25 मिनट लगते हैं। तो मैंने 10 मिनट जब हो गया था उसके बाद चेक किया है, फिर से हमने ढक्कन को लगा दिया है। तो अभी चलिए फिर 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। देखिए, पानी हमारा सूख गया है और सब्जी अच्छी तरह पक गया है। तो आप चाहो तो इस स्टेज में भी ऑफ कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा लिक्विडी पसंद है। मगर हम जो पानी रहता है वो पूरी तरह सुखा देंगे, इसलिए इसे अभी और देर रखते हैं 10 मिनट के लिए। तो देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है और सब्जी अच्छी तरह पक गया है। तो आप चाहो तो अभी भी गैस को ऑफ कर सकते हो, मगर हम नहीं करेंगे। तो इसे सरसों के तेल में बनाने से ज्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या कोई दूसरा ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मगर सरसों के तेल में बनाने से ये ज्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर से ढक्कन को लगा देंगे करीब 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद ये देखिए, पानी पूरी अच्छी तरह से सूख गया है हमारे सब्जी में से और बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। तो ये एकदम सूख गया है अच्छी तरह। और हमने ध्यान रखिएगा कि हमने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा था, एकदम हाई भी नहीं और ना एकदम लो। तो अच्छी तरह इसका पानी सूख गया है। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में चावल के साथ या फिर रोटी के साथ, एकदम झटपट रेडी भी हो जाता है। तो देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है कि नहीं। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए इसे एक बाउल में सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए, हमने ये सर्व कर दिया है, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मजेदार रेसिपी के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।